हेलो डियर स्टूडेंट, आपसे भी का वेलकम है फॉर एग्जाम पावर में। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्वेल्थ इंटर आने के जो है सो ट्वेल्थ क्लास इतिहास का जो है सो 35 वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो 35 वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके जो है ना इंटर फाइनल एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपका तैयारी कुछ भी नहीं हुआ है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में जो है सो सीधे सीधे प्रश्न लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ठीक है। और आपको मैं एक चैलेंज देता हूँ बच्चे की, ये जो है सो आपको यहाँ पे टोटल 35 क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। और आपको 35 सवाल में से जो है सो 10 का सही उत्तर दे करके बताना है अपने मन से, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन बच्चे 35 प्रश्न में जिससे जो है सो 10 का सही जवाब जो है सो दे पाते हैं, ठीक है। किसमें कितना दम है डियर, है ना, बिल्कुल जो है सो मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। और इस टेस्ट को कौन कौन बच्चे पास कर पाते हैं, ठीक है, बिल्कुल जो है सो मैं देखूंगा, ठीक है। और आपको उत्तर कहाँ देना है, तो आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप जो भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे कमेंट बॉक्स में उत्तर देते हुए चलिएगा, ठीक है। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर इसका पीडीएफ चाहिए, है ना। प्रश्न है एक नंबर कि जो है किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला है मीरा का, ऑप्शन नंबर बी वाला है अंडाल, ऑप्शन नंबर सी वाला है करेकल, और ऑप्शन नंबर डी वाला है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पहला का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, मीरा का। क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर ए वाले को करोगे। और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दो नंबर, है ना, कि महाराष्ट्र के संत कौन थे, ठीक है। तो तुकाराम थे, रामदास थे, ज्ञानेश्वर थे, और ऑप्शन नंबर डी वाले इनमें से जो है सभी, इसका जो भी सही उत्तर होगा इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके आप सभी प्यारे बच्चे बताइएगा, ठीक है। और देखते कौन कौन बच्चे इसका जो है ना सही उत्तर जानते हैं, है ना। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया, है ना। तो किसके साथ आया था, गजनी के साथ, गौरी के साथ, तैमूर के साथ, बीन जो है सो कासिम के साथ। तो तीन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए वाला, ठीक है, गजनी के साथ, ठीक है जी। चलिए देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। प्रश्न 4 नंबर है कि भारत का जो है सो यूरोपियन कौन था, ठीक है, भारत का यूरोपियन कौन था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया और 4 का जो राइट आंसर है इसका सही उत्तर ए वाले को करोगे, ठीक है। पुर्तगाली कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए वाले को सही उत्तर कर दोगे प्यारे बच्चे। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जो है सो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, कि अस्थाई बंदोबस्त कहां लागू किया गया था, ठीक है। तो बंबई में, पंजाब में, बंगाल में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 5 का करोगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला बंगाल में किया गया था, ठीक है। चलिए जी देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जो है सो आपके स्क्रीन पे है 6 नंबर, है ना, कि जो है सो द हिस्ट्री ऑफ जो है सो प्रश्न क्या है, द जो है सो द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक जो है सो किसने लिखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है सो नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है, और 6 का करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएंगे ए वाला, पिटाबी सीतामढ़िया, ठीक है। आने के राइट आंसर ए वाले को करोगे प्यारे बच्चे। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 है ना, कि जो है सो दक्षिण भारत में जो है सो किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कोल्हापुर, ऑप्शन नंबर बी वाला सतारा, ऑप्शन नंबर सी वाला पुणे, ऑप्शन नंबर डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 7 का करोगे डियर स्टूडेंट, बिल्कुल जैसो जल्दी से कमेंट करके बता देंगे, ठीक है, कि कौन कौन बच्चे इसका आंसर जानते थे, ठीक है। चलिए इसका आंसर लगा दोगे आप सभी प्यारे बच्चे, है ना। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो इसका आंसर 8 का करोगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, पीर अली ने किया था, ठीक है। चलिए जी देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएंगे 9 का, तो राइट आंसर 9 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला 10 मई को। कब हुआ था, तो 10 मई को आरंभ हुआ था, ठीक है। और चलिए देखिएगा प्रश्न बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, प्रश्न 11 नंबर है ना, कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर क्या करोगे 10 का, तो सॉरी 11 का, तो 11 का जो करेक्ट आंसर है ना इसका सही उत्तर लगा दोगे प्यारे बच्चे, बिल्कुल जैसे कौन से, तो इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी वाला, जैसो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल जैसे क्या करोगे, तो लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल राइट आंसर कर दोगे, ठीक है। और चलिए देखिएगा यहाँ पे प्रश्न आपके स्क्रीन पे है ना, चलिए यहाँ पे जैसे प्रश्न है बिल्कुल, भारत की जैसो राजधानी है ना कलकत्ता से दिल्ली कब जैसो स्थानांतरित किया गया था। तो 11 का जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ना प्यारे बच्चे बिल्कुल आप सभी लगाओगे, है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला 1911 को कब किया गया था, तो 1911 को किया गया था, ठीक है। तो डी वाले को बिल्कुल सही उत्तर कर दोगे 11 का बच्चे। और देखिएगा प्रश्न
है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन 1871, ऑप्शन बी वाले 1872, ऑप्शन नंबर सी वाले हैं 1891, नेक्स्ट ऑप्शन 1894। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है बी वाले चाहिए, ठीक है, 1872 में कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था। ठीक है, चलिए बी जो बी वाले को लॉक आंसर करेंगे। और देखिएगा प्रश्न 13 नंबर आपके स्क्रीन पे कि इंडिया गेट का निर्माण हुआ, ठीक है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था बिल्कुल 1921 में। कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर जैसो बी वाले को लॉक करेंगे। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 है ना, कि जैसो चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, बिहार से, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी वाला महाराष्ट्र, ठीक है। तो 14 करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी वाला बिहार से, ठीक है। चलिए देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 है ना, कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, ठीक है, तो दिल्ली चलो का नारा किन्होंने दिया, तो इसका आंसर हो जाएंगे क्या, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, लाला लाजपत राय, और अगला ऑप्शन है गोखले। तो इसका आंसर 15 का ग्रुप करोगे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए वाला सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ए वाले को राइट आंसर कर दोगे, है ना। और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ, ठीक है, तो 1942 में जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, डी वाले को बिल्कुल जैसो सही उत्तर कर देंगे प्यारे बच्चे। और देखिएगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है ना, और जैसो प्रश्न क्या है 17 नंबर की, साबरमती किस राज्य में जैसो स्थित है, ठीक है, तो साबरमती जो है ना ये कौन से स्टेट में है, तो इसका आंसर 17 करोगे ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, गुजरात में, ठीक है जी। चलिए देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर अगले है 18 नंबर है ना, कि जैसो साइमन कमीशन कब भारत आया था, ठीक है, तो ये कब आया था साइमन कमीशन भारत, तो इसका आंसर क्या देंगे 1925, 1928, 1932, 1935, तो इसका आंसर 18 का करोगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले चाहिए, ठीक है, और 1928 को आया था, ठीक है, आने के करेक्ट आंसर बी वाले को करेंगे। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल 19 नंबर आपके स्क्रीन पे, ठीक है, कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, ठीक है, तो इसका आंसर 19 का करोगे प्यारे बच्चे बिल्कुल बी वाला जगह बोस ने, कौन किया था, तो इसका आंसर बिल्कुल जैसो बी वाले को राइट आंसर करोगे। देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल जैसो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20 की भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो 20 का राइट आंसर बिल्कुल लगा दोगे ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, कौन थे बच्चे, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21 है ना, कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जसो गृह मंत्री कौन थे, ठीक है, गृह मंत्री कौन थे बच्चे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर पटेल हो जाएंगे, गांधी हो जाएंगे, नेहरू हो जाएंगे, बोस हो जाएंगे, तो इसका आंसर 21 का करोगे प्यारे बच्चे बिल्कुल जैसो ए वाला, ठीक है, पटेल क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर ए वाले को लॉक करेंगे जी। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसो 22 नंबर है ना, कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जसो उपराष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर 22 का हो जाएगा बिल्कुल जैसे कौन सा, तो सी वाले चाहिए, ठीक है, एस राधा कृष्णन, ठीक है, सी वाले को क्या करोगे, तो प्यारे बच्चे राइट आंसर कर दोगे, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल जैसे 23 नंबर आपके स्क्रीन पे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला जैसो महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी ये थी बिल्कुल जैसे कौन, तो 23 का राइट आंसर बिल्कुल ए वाला हो जाएगा, एनी बेसेंट, क्या हो जाएंगे, तो एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। और चलिए देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध था, ठीक है, तो किससे था, तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाला चाहिए, डलहौजी से, किससे था, तो डलहौजी बिल्कुल राइट आंसर है, ओके। और देखिएगा प्रश्न प्यारे बच्चे बिल्कुल आपके स्क्रीन पे 25 नंबर है ना, कि जसो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर 25 का करोगे बिल्कुल जैसे कौन सा, तो बी वाले हो जाएंगे बेगम हजरत महल, ठीक है, बी वाले बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चे। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26 है कि मेगा अस्थनीज कौन था, ठीक है, तो मेगा अस्थनीज कौन था, तो 26 का राइट आंसर बिल्कुल सी वाला चाहिए, राजदूत कौन था, तो राजदूत था डिगर, ठीक है। और चलिए देखिएगा प्रश्न 27 नंबर है आपके स्क्रीन पे है ना, कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था बिल्कुल जैसो ऑप्शन नंबर बी वाला चाहिए, ठीक है, 1773 से या 1774 में, ठीक है, आने के बी वाले को बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा दोगे, ठीक है, 1773 से 1774 के बीच में हुआ था, ठीक है, आने के बी वाले को बिल्कुल करेक्ट आंसर कर दोगे, ठीक है। और चलिए देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 28 नंबर है ना, कि दामिन ई को क्या था, ठीक है, तो दामिन ई को क्या था, तो इसका आंसर लगा दोगे 28 का बिल्कुल भूभाग, ठीक है, आने की राइट आंसर ए वाले को करोगे प्यारे बच्चे। और देखिएगा प्रश्न है 29 नंबर है ना, कि जो है सो बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला कबीर, ऑप्शन बी वाला गुरु नानक, ऑप्शन नंबर सी वाला चैतन्य, और नेक्स्ट ऑप्शन रामायण, ठीक है, तो 29 का जो राइट आंसर है ना, इसका सही उत्तर ए वाले को लॉक करेंगे, कबीर का, ठीक है, किसका हो जाएंगे, तो कबीर का हो जाएंगे प्यारे बच्चे। और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है, कि निजाम
अलाउद्दीन ओलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती हुसैन, सुहारवर्दी, कादेरी। अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 30 का जो राइट आंसर है इसका सही उत्तर ए वाला जगह चिश्ती से क्या जाएंगे, तो चिश्ती बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चे। और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है, कि तंबाकू का सेवन जो है सो किस मुगल सम्राट ने जो है सो प्रतिबंध लगाया था, ठीक है, तंबाकू पर जो है ना कौन से जो है सो मतलब ये मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगाया था उसका सेवन करने के लिए, कौन से जो है सो प्रतिबंध लगाया था, कौन से शासक ने? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जहांगीर, ऑप्शन बी वाला शाहजहां, ऑप्शन मर्सी वाला बाबर, और अगला ऑप्शन है अकबर, ठीक है। तो इसका आंसर 31 का करोगे बिल्कुल जैसे वो क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए वाला जाएंगे जहांगीर, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चे देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ना कहाँ स्थित है, ठीक है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, हम्पी में, बेलूर में, चित्रम्बरम ने, ऑप्शन में डेवला है श्रीरंगम में। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला जाएंगे, ठीक है, हम्पी में। कहाँ हो जाएंगे, तो हम्पी में हो जाएंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने किया, ठीक है, मतलब जैसो कब हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर जल्दी से कमेंट करके आप सभी प्यारे बच्चे जल्दी से बताइएगा, ठीक है, और जो है सो कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था ये तो बताओगे, हाँ है ना। और जो है सो आपको बताना है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किन्होंने किया था, ठीक है, चलिए ये भी जो है सो जल्दी से बता दीजिएगा। और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये जो हत्याकांड बाग हुआ था ना जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था बिल्कुल जैसो कब, तो इसका आंसर ए वाले चाहिए 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, राइट आंसर ए वाले को करोगे प्यारे बच्चे। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल 35 नंबर है, ठीक है, कि पाकिस्तान के जो है सो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जिन्ना था, लियाकत अली था, रहमत अली था, ऑप्शन नंबर डी वाला इकबाल था, तो इसका आंसर 35 का करोगे प्यारे बच्चे बिल्कुल जैसे कौन सा, तो बी वाला हो जाएगा लियाकत अली, क्या हो जाएंगे, तो लियाकत अली हो जाएंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है ना, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल आप सभी के लिए, ठीक है, इसका आंसर आप सभी प्यारे बच्चे को लगाना है, ठीक है। प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है कुटिल, ऑप्शन बी वाला मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी वाला अल्बरूनी, और ऑप्शन नंबर डी वाला इमनेस, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी इसका जो है ना जो भी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बता दोगे, ठीक है। और आपको ये क्लास कैसा लगा, ठीक है, ये क्लास कैसा लगा है ना, और आपको कौन कौन से वीडियो का इसी तरीके से जो है सो चाहिए है ना, मुझे ये भी बताओगे। और आपको जैसो 35 क्वेश्चन में, ठीक है, आप 35 क्वेश्चन में अपने मन से कितना प्रश्न का उत्तर जानते थे ना, ये मुझे जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आपसे भी प्यारे बच्चे को बता देना, ठीक है। 2025 का फाइनल परीक्षा काफी करीब आते जा रहे हैं, जिनका जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है, हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है, उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, नंबर है 7274800891।